आज हम लोग ट्रांजिस्टर में डीसी लोड लाइन के बारे में बात करेंगे। डीसी लोड लाइन क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो एक्सप्लेन कीजिए। ऐसा हर बार जीटीयू एग्जाम में पूछते हैं, तो आपको बेसिकली पता होना चाहिए डीसी लोड लाइन क्या है, कैसे उसको ड्रॉ करते हैं और उसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो शुरू करते हैं डीसी लोड लाइन। तो हमको पता है ट्रांजिस्टर का ये आपका दिख रहा है, ये कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन है और लोड है। लोड हमेशा आउटपुट की तरफ होता है। तो अगर मुझे यहाँ पे आउटपुट के बारे में जानना है, तो मैं आउटपुट की इस लूप के लिए इक्वेशन लिखूंगा। हमारा आईसी है वो आउटपुट करंट है, तो ये लूप के लिए अगर मैं इक्वेशन लिखता हूँ, तो केवीएल किरचॉफ वोल्टेज लॉ से अगर इक्वेशन लिखना हुआ तो मैं कैसे इक्वेशन लिखूंगा दोस्तों? वीसीसी जो हमारा वोल्टेज है इज इक्वल टू आईसीआरसी प्लस वीसीई। ये यहाँ पे अगर मैं जर्नी कर रहा हूँ, केवीएल में जो हम कहते हैं जर्नी करते हैं एक पॉइंट से और उसी पॉइंट पे खत्म करते हैं, तो वीसीसी टोटल वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू वीसीई कलेक्टर ए मीटर वोल्टेज प्लस आईसीआरसी। तो इस प्रकार आपका आउटपुट का इक्वेशन हो गया। और आपका आउटपुट जो करंट है दोस्तों, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक आप याद कीजिए, कॉमन एमिटर की हमने आगे डिस्कस किया है। तो VCE और IC के बीच में आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक आएगी डिफरेंट वैल्यू ऑफ IB के लिए, यहाँ पे हमको दिख रही है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक पे हमको DC लोड लाइन मिलेगी, कैसे मिलेगी वो देखते हैं। ये आउटपुट आपकी कैरेक्टरिस्टिक है और ये आउटपुट इक्वेशन है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए VCE इज इक्वल टू जीरो है, क्योंकि लोड लाइन आएगी तो वो यहां से लेकर यहां तक आएगी, कोई पॉइंट आईसी का वैल्यू का मिलेगा और एक पॉइंट वीसी का वैल्यू मिलेगा। तो जहां पे वीसी जीरो है तो वो तो उस वैल्यू पे हमारा आईसी कितना हुआ, यहां पे मान लीजिए मैं वीसीई को जीरो कर देता हूं, ये जीरो कर देता हूं, तो आईसी कलेक्टर करंट इज इक्वल टू वीसीसी अपॉन आरसी। तो ये एक पॉइंट मिलेगा, वो मिलेगा वाई एक्सिस पे। इसी प्रकार ये पॉइंट मिल गया, देखिए ये मेरा वीसीसी वीसीई अगर जीरो है तो मुझे आईसी में ये पॉइंट मिल गया, तो लोड लाइन का वन पॉइंट मिल गया। अब दूसरा पॉइंट मुझे इस लाइन में चाहिए, एक्स एक्सिस में चाहिए, तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, मैं आईसी को जीरो करूंगा। तो ये पॉइंट को मान लीजिए मैं पॉइंट बी कह रहा हूं। अभी आप मानिए कि आईसी जीरो है, तो यहाँ पे आप अगर आईसी जीरो रखोगे तो वीसीई इज इक्वल टू वीसीसी मिलेगा। तो वीसीसी यहाँ पे मान लीजिए मिल रहा है, तो वीसीई इज इक्वल टू वीसीसी मिल रहा है। तो ये जो दो पॉइंट है इसको कनेक्ट किया जाए तो ये लाइन को डीसी लोड लाइन कहा जाता है। इसका मतलब कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर में, कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर में आउटपुट के लिए अगर इक्वेशन लिखा जाए और अगर VCE लिया जाए तो उस वक्त जो IC की वैल्यू मिलती है, और IC इज इक्वल टू जीरो लिया जाए उस वक्त VCE की जो वैल्यू मिलती है, तो जो दो पॉइंट हमको पॉइंट A और पॉइंट B मिलती है, तो ये दो पॉइंट को जो जोड़ने के लिए जो लाइन को ड्रॉ किया जाता है उसको DC लोड लाइन कहा जाता है। तो लाइन AB इज कॉल्ड DC लोड लाइन। ये बेसिकली इंटरसेक्शन ऑफ लोड लाइन विथ आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक इज कॉल्ड क्विसेंट पॉइंट। तो ये जो यहाँ पे अगर मान लीजिए ट्रांजिस्टर का ऑपरेटिंग पॉइंट है, तो वो हम लोगों को पता है कि वो एक्टिव रीजन में होना जरूरी है। एक्टिव रीजन माने कि ये रीजन, आपने अगर कैरेक्टरिस्टिक याद हो आपको तो आपके तीन पॉइंट हमने किया बोला था, सेचुरेशन रीजन जो यहाँ पे आएगा, कट ऑफ रीजन जो नीचे आएगा, और एक्टिव रीजन हमारा ऊपर आएगा। तो ये जो रीजन है ये लाइन का बीच वाला पॉइंट जहाँ पे मेरा कर्सर घूम रहा है, ये पॉइंट से लेकर ये पॉइंट, तो ये एक्टिव रीजन में रखने का जो ऑपरेशन में ट्रांजिस्टर ऑपरेट हो रहा है, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे इंटरसेक्ट होगी, तो उसको क्विसेंट पॉइंट कहा जाता है। क्विसेंट पॉइंट माने ऑपरेटिंग पॉइंट ऑफ द ट्रांजिस्टर। तो ये लोड लाइन किसको कहा जाता है, कि आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक को, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक को अगर इक्वेशन लिखा जाए तो वीसी को जीरो लेके जो पॉइंट आईसी का मिलता है, और आईसी को जीरो लेके जो पॉइंट वीसी का मिलता है, दोनों के जोड़ के जो लाइन बनाई जाती है उस लाइन को डीसी लोड लाइन कहा जाता है। और लोड लाइन और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक के इंटरसेक्शन पॉइंट को हम लोग ऑपरेटिंग पॉइंट या क्विसेंट पॉइंट कहते हैं।
तो ये मान लीजिए Q1 है, अभी मान लीजिए मेरी ट्रांजिस्टर है, वो ट्रांजिस्टर यहाँ पे Q1 पॉइंट पे ऑपरेट हो रहा है, Q2 पे भी ऑपरेट हो सकता है, Q3, Q4, तो ये सारे हमारे क्वेश्चन पॉइंट या फिर ऑपरेटिंग पॉइंट कहे जाएंगे। तो डिफरेंट ऑपरेटिंग पॉइंट पे ट्रांजिस्टर को ऑपरेशन करने से क्या मतलब होता है, उसका मतलब है कि आप ट्रांजिस्टर को अगर एक्टिव मोड में चलाना चाहते हैं तो, या फिर आप Q2 Q3 पे चलाओ तो वो बिल्कुल सेफ जोन में रहेगा। अगर यहाँ ऑपरेशन किया तो क्या होगा कि कहीं भी वो कट ऑफ रीजन में चला जाएगा। और अगर मान लीजिए ऊपर आपने ऑपरेट किया Q5 पे तो क्या होगा, तो वो सेचुरेशन मोड पे चला जाएगा। इसका मतलब ट्रांजिस्टर को ऑपरेटिंग पॉइंट पे रखने के लिए आपको डीसी लोड लाइन का पता होना जरूरी है, तभी आप उसको ऑपरेटिंग पॉइंट प्रॉपर, क्वेश्चन पॉइंट आपका प्रॉपर रख पाओगे। तो आगे बढ़ते हैं। व्हेन नो सिग्नल इज गिवन टू द एम्पलीफायर ओनली डायरेक्ट करंट इज फ्लोइंग। अगर मान लीजिए वो जो सिग्नल हमने जो एसी वाला सिंबल था हमारे डायग्राम में वो अगर नहीं दिया तो ओनली डायरेक्ट करंट फ्लो होगा, तो वो ऑपरेटिंग पॉइंट की तरह पे कहा जाता है, क्योंकि हमको पता है हम ट्रांजिस्टर डीसी इनपुट पे ऑपरेट करते हैं, तो सिग्नल नहीं है तब ट्रांजिस्टर कहाँ पे ऑपरेट होगा, क्वेसेंट पॉइंट पे ऑपरेट होगा। और क्यू पॉइंट शुड बी एट द मिडल ऑफ द एक्टिव रीजन। अगर मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक Q1 से लेकर Q5 का आपका एक्टिव रीजन है, तो ट्रांजिस्टर हमेशा Q1 से Q5 के बीच में ही ऑपरेट होना चाहिए। अगर Q1 पे है तो भी प्रॉब्लम आएगा, वो कट ऑफ में चला जाएगा। अगर मान लीजिए Q5 पे है तो वो सेचुरेशन में चला जाएगा, तो वो दिक्कत होती है। तो ट्रांजिस्टर को आपको ऑपरेट करना है तो Q1 से Q5 के बीच में ही रखना पड़ता है, तो आपका आउटपुट प्रॉपर आएगा, अनडिस्टर्ब्ड आउटपुट आएगा। तो क्यू पॉइंट का ऑपरेशन इंपॉर्टेंस क्या है दोस्तों, वो देखते हैं। क्यू पॉइंट माने कि ऑपरेटिंग पॉइंट आपका अनडिस्टर्ब्ड आउटपुट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ट्रांजिस्टर को आपको एक्टिव रीजन में ऑपरेट करना है तो क्यू पॉइंट उसका सेंटर में होना चाहिए। टू हैव आउटपुट विदाउट डिस्टॉर्शन क्यू पॉइंट शुड बी एट सेंटर ऑफ द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ट्रांजिस्टर टू स्टॉप ट्रांजिस्टर गोइंग इनटू कट ऑफ और सैचुरेशन। जैसे कि मैंने यहाँ बताया कि अगर मान लीजिए मेरा Q3 पॉइंट है तो ये सेफेस्ट पॉइंट रहेगा। अगर मान लीजिए Q1 है तो मेरा ट्रांजिस्टर कट ऑफ रीजन में चला जाएगा। अगर मान लीजिए Q5 है तो मेरा ट्रांजिस्टर सेचुरेशन में चला जाएगा। तो Q पॉइंट आपका सेंटर में होना, ये एक्टिव रीजन का सेंटर में पॉइंट है, तो यहाँ होना बहुत जरूरी है। Q4 चलेगा, Q2 चलेगा, लेकिन अगर यहाँ आएगा तो भी दिक्कत है, और Q5 हो जाएगा तो भी दिक्कत है। तो ये आपका कट ऑफ में या सेचुरेशन में न चला जाए, इसके लिए आपको लोड लाइन का पता होना जरूरी है, जिसकी वजह से आप क्वेश्चन पॉइंट या ऑपरेटिंग पॉइंट को आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो ये बायसिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बायसिंग का क्या होता है, ऑपरेटिंग पॉइंट और बायसिंग का दोनों का इंपॉर्टेंस ही है। बायसिंग वोल्टेज अगर आप जैसा देते हो ऐसा आपका ऑपरेटिंग पॉइंट फिक्स होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बायसिंग की मेथड देखेंगे, जिससे हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट है वो न तो कट ऑफ में चला जाए न तो सेचुरेशन में चला जाए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बायसिंग देखेंगे। तो हमने आज ट्रांजिस्टर की लोड लाइन देखी। लोड लाइन क्या है, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में, ट्रांजिस्टर की आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में हम अगर VCE को जीरो लेके जो पॉइंट मिलता है वो IC का वैल्यू, और IC को जीरो लेके जो पॉइंट मिलता है वो VCE का वैल्यू, ये पॉइंट A और पॉइंट B के इंटरसेक्शन को लोड लाइन कहा जाता है। और ये लोड लाइन की वजह हेल्प से हम लोग ऑपरेटिंग पॉइंट आइडेंटिफाई करते हैं, जो हमको बायसिंग कितना वोल्टेज देना है वो डिफाइन करने में हेल्पफुल होता है। आई होप आपको पता चल गया होगा। नहीं पता चला हो दूसरी बार इसको देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। बहुत ही कम डॉक्यूमेंट इसके रेफरेंस में आपको रेडी मिलेंगे, तो आपको समझना पड़ेगा। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।